उनके सरकारी अस्पताल में अनियमितताएं रोकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भी यहां एक गंभीर मरीज को इलाज के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सका। लोगों द्वारा इस स्थितियों को लेकर रोष जताया गया है। उनके सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाएं अब आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। यहां अक्सर रात के समय कोई डॉक्टर नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है। सोमवार की शाम भी यहां के तालाब क्षेत्र के एक मरीज को इलाज के लिए कोई डॉक्टर नसीब नहीं हो सका। मरीज को तेज घबराहट होने पर अस्पताल में लाया गया था। उनके सरकारी अस्पताल के हालात इतने बदतर हैं कि यहां मरीज को जिला अस्पताल रेफर किए जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः मरीज को मोटरसाइकिल से ही इलाज के लिए ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल की इस अव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा इस समस्या को लेकर उन BMO पीयूष पाटीदार से बातचीत की गई। BMO एवं CMHO द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार की बात कही गई है। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। दूसरे BMC के डॉक्टर को बुलाया, अपने RBS के वाले डॉक्टर साहब को बुलाया, जिले वाली टीम आई, ये सब आए। मैंने मेरी तरफ से CMHO साहब को 2-3 बार अवगत करा दिया लिखित में, डॉक्टर साहब को भी बता दिया लिखित में, वर्बली भी बता दिया है। मीटिंग में जब भी बात होती है तो बोले जब तक सर उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकतर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, नाइट में ज़्यादा असुविधा हो रही है लोगों को, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? डॉक्टरों के बारे में मैंने CMHO महोदय और कलेक्टर साहब से भी जब आए थे सर विजिट करने के लिए, तो उनसे भी चर्चा की है और सर को लिखित में भी अवगत कराया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर की उपलब्धता कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केस आते हैं। जो रोड जो है वो चलता है यहाँ पर, ज़्यादातर केस जो है यहाँ पर एक्सीडेंट के आते हैं। तो इस संबंध में मैंने CMHO महोदय और कलेक्टर साहब दोनों को अवगत करवा दिया। अच्छा, अभी क्या व्यवस्था रहेगी सर? अभी फिलहाल में ग्रामीणजनों से जो सूचना मिली है कि कल जो केस हुआ था उस संबंध में मैंने उनसे बैठकर बात करी है, तो रात्रि में जो भी एक डॉक्टर होगा उनको पेरीफेरी से या बाहर से बुलाकर ड्यूटी करवाएं, ताकि ग्रामीणजनों को जो भी सुविधा मिल सके एमरजेंसी में वो पूरी तरह से। सर बताया जा रहा है कि किसी डॉक्टर की यहाँ पे उपस्थिति हुई है, लेकिन वो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आ रहा? एक डॉक्टर साहब हैं, टेंडला वाले डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाहबाज खान, उनको CMHO महोदय के द्वारा पत्र के माध्यम से यहाँ लगाया गया ड्यूटी के लिए, किंतु अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए। उनके बारे में CMHO महोदय को मैंने वापस सूचना दे भी दी है। कितना समय हुआ सर? एक महीना लगभग हो गया है, एक महीने के आसपास हो गया है, एक महीने के आसपास। तो फिलहाल यहाँ उन हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? अभी फिलहाल उनमें कोई पदस्थापना किसी की नहीं है। एक डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अभिषेक भवन का, जो यहाँ पर रायपुरपुरा के डॉक्टर साहब हैं, वो ड्यूटी दे रहे हैं और उनके साथ में मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ, बस इसके अलावा और कोई डॉक्टर नहीं। मतलब सर हम ग्रामीण लोग आश्वस्त रहें कि अभी अब रात में डॉक्टर मिलने लगेंगे? डॉक्टर मिलने लगेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई नहीं रहता है तो मैं स्वयं दिन में भी ड्यूटी करके रात में भी जो व्यवस्था रहेगी वो कर सकता हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर पीयूष पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।